अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है इंदौर से। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक ली है। पिछले दिनों हमने कोरोना के खिलाफ संघर्ष किया, ये कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। ये युद्ध की स्थिति है, हम जानते हैं कि ये दिन कितनी कठिनाइयों से गुजरे हैं। हमने कई अपनों को खोया है। ब्लैक फंगस एक नई चुनौती के रूप में उभरा है। मेरी, पीएम मोदी और मनसुख मांडविया जी से चर्चा हुई है। एंटी फंगल इंजेक्शन को लेकर चर्चा की है। आज कुछ इंजेक्शन आए हैं, मध्य प्रदेश लगातार प्रयास कर रहा है उसमें से हमको तत्काल इंजेक्शन प्राप्त हो। ब्लैक फंगस को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं, ये कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक ली है। तो इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक ली। पिछले दिनों हमने कोरोना के खिलाफ संघर्ष किया है, ये कहा है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। युद्ध की स्थिति एक तरीके से जो हमारा शत्रु है वो अदृश्य है। हम पिछले 1.5 साल से कोरोना से लड़ रहे हैं। हम जानते हैं कि ये दिन कितनी कठिनाइयों से गुजरे हैं। हमने कई अपनों को खोया है। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बैठक के दौरान क्या कुछ कहा। एक समय था जब अस्पताल, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड हम सब लोगों ने भुगता है। ऑक्सीजन के लिए रात भर हम लोग सो रहे हैं। बिहार में प्रदेश में स्थिति सामान्य है, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति है, व्यवस्था है। ब्लैक फंगस एक नई चुनौती के रूप में उभरा है। अभी आने के पहले मेरी प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई, मनसुख मांडविया जी से चर्चा हुई, जो एक एंटी फंगल इंजेक्शन हमको चाहिए, हमारे देश पर नहीं इंपोर्ट किया जा रहा है। आज कुछ इंजेक्शन आ रहे हैं तो मध्य प्रदेश लगातार प्रयास कर रहा है उसमें से हमको तत्काल इंजेक्शन प्राप्त हो। जैसे प्राप्त होंगे तो हम हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे। लेकिन ब्लैक फंगस एक नई समस्या है जिसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। और हमने फैसला किया कि ब्लैक फंगस का भी इलाज हम जो पीड़ित प्रभावित है उनका निःशुल्क भी करेंगे। पहले भी हम लोगों ने प्रयत्न किए अनेकों, जिसमें से एक आयुष्मान भारत योजना में परिवर्तन करके 40% और ज्यादा पैकेज देखे। हमने सैकड़ों प्राइवेट अस्पतालों को अनुबंधित किया है, सरकारी के अलावा, सरकार के द्वारा अनुबंधित अस्पतालों के अलावा हम प्राइवेट अस्पतालों में भी गरीब निम्न मध्यम वर्गीय भाई और बहनों का इलाज करा सके। तो सारे प्रयत्न हमारे लगातार जारी है और ब्लैक फंगस से भी हम लड़ेंगे। मैं सभी जिलों में लेता हूं, विशेषकर इंदौर को, इंदौर में प्रेसेंस हम लोगों ने भारत भी बनाया ब्लैक फंगस का। अभी मैंने निर्देश दिया कि हर जिले में एक पूर्व कोविड केयर सेंटर बनाना, क्योंकि वह ब्लैक फंगस नहीं, ब्लैक फंगस के अलावा खून के धक्के बनना उसके कारण कार्डियक अरेस्ट जैसी घटनाएं भी कुछ हुई है। ये जो दवाइयां दी है उसके भी साइड इफेक्ट, चाहे वो रेमडेसिविर हो या अलग अलग तरह की जो दवाइयां दी गई उसके साइड इफेक्ट भी कुछ ना कुछ होता ही है। हम सब लोग जानते हैं स्टेरॉइड वगैरह के साइड इफेक्ट होते हैं। एक समय था जब अस्पताल, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड